कराची में बारिशों के बाद कचरे के मसाइल गटरों और नालों से उबलकर सड़कों पर आ गए हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए बहुत से सियासतदान और सामाजिक रहनुमा मैदान में उतरे। नए अदाकार, पुराना कचरा, अजीब शहर है। जिस वक्त जिस किसी का दिल चाहता है, दो ट्रक उठाता है, दो हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कचरा मैं उठा दूंगा। कभी विफाक से कोई नाजिल हो जाता है तो कभी कोई ठेकेदार आ जाता है, कभी कोई सियासी जवान उठ खड़ी होती है। लेकिन ये कचरा है कि खत्म ही नहीं होता। दिमागों पर छाए कचरे हटे तो गलियों के कचरे उठे। कराची में रोजाना 8 लाख टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है। इस कचरे से सबसे ज्यादा मुतासर कराची के अवाम है। अब सवाल ये है कि कराची में इस बढ़ते हुए कचरे की वजह अवाम है या हुकूमत? इस बारे में जानने के लिए हमने कुछ शहरियों से बात की, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कराची में जिस तरह से कचरे के बढ़ते हुए मसाइल हैं, उस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये कसूर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का या जो हमारे इदारे हैं उनका नहीं है, इसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम दूसरे मुल्कों की तो मिसाल देते हैं कि उन मुल्कों में देखें जी, हुकूमती इदारे कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बारिश होती है फौरन पानी निकल जाता है और जनाब कोई भी कचरा वचरा हो, कोई भी बड़ी गैदरिंग हो या कोई इस तरह रैली वगैरह हो रही हो, कोई कचरा नहीं जमा होता है वो। तो ये भी तो देखें वहाँ के लोग कितने सिविलाइज हैं, मतलब आप यहाँ पे तो गाड़ी में चलते हुए बाहर हाथ निकाल के कचरे की थैली फेंक देते हैं, क्या आप ये काम दुबई में कर सकते हैं, ये काम सऊदीया में कर सकते? मतलब इंतहाई कोई है ना, हम लोग अकल से पैदल लोग हैं, हम लोग खुद नहीं चाहते कि हमारा मुल्क साफ सुथरा हो और फिर हम ब्लेम करते हैं सारा हुकूमती इदारों पे। कराची में हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर का कचरा कचरे वाले को नहीं देते, महज इसलिए कि उसको हमें 25-30 रुपए देने पड़ जाएंगे, जबकि वो कचरा उठा के अपने घर के सामने खाली प्लॉट या किसी भी जगह फेंक देते हैं, जिससे जाहिर सी बात है वो माहौल कातिल है। फिर हम देख रहे हैं कि जो लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जो वो खाते हैं पीते हैं, जो भी रैपर्स होते हैं चिप्स के बिस्किट्स के, वो मेन चौराहों पे फेंक देते हैं। फिर हमारे माशाल्लाह जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो रक्षा ड्राइवर हैं, जो चिंची ड्राइवर हैं, वो पान की पीक से जिस तरीके से सड़कों को रंगीन करते हैं, कचरा कोई हुकूमत का बंदा या शहरी इंतज़ामिया का बंदा नहीं फेंक के जाता, वो यकीनन कराची के शहरी कर रहे होते हैं, मैं और आप कर रहे होते हैं। हम बाइकों पर चलते हुए छालियां खाकर रैपर फेंक देते हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो इसी तरीके से एक रैपर मिलकर कचरा कुंडी और कचरे का ढेर बन जाता है। जिस तरीके से हम अपनी हुकूमतों से, अपने बल्दियाती नुमाइंदों से और अपने MPS से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे शहर का कचरा साफ करें, तो इसी तरीके से मेरी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये वतन और ये शहर हमारा है, तो हमें भी चाहिए कि हम इस शहर में कचरा फेंकने के बजाय उस कचरे को जमा करके अपने घर के डस्टबिन में डालें। मजमूई तौर पे शहरियों का ये कहना है कि हमें अपनी मदद आपके तहत काम करना होगा। KMC कैमरे में से अफराद को फारिग करके आवाम के ऐसे नुमाइंदे लाए जाएं जो वाकई काम करने के अहल हों।